तो आइएगा सबसे पहले यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों को मेरी आवाज की सुनती हुई हमारी माता बहने साउंडिंग मास्टर जी और हमारे संगीतकार वालों को, हमसे बड़े बड़े सीनियर कलाकारों को, हमारे कैमरामैन जी को, सभी को महेंद्रगढ़ से आई हुई उषा जागरण से हाथ जोड़कर प्यार भी मिली मिली राम राम करती हूँ। जय बाबा की, राम राम जी, राम राम जी। धंधे लो कैसे डाटा मार के बैठी हो, न्यू डाटा मार के बैठी हो, रुपए के लिए न्यू ना बैठो आराम से, ताली वाली बजा लो, जयकर लगा लो, बाबा कैसे बैठे आराम से, नहीं लगाओगी, उठा लो जी हाथ ऊपर, हमारी माता मेरे पीछे तक बैठी सभी हाथ ऊपर उठा लो, रुक जाओ जी, छोड़ दे, उठा लो जी हाथ ऊपर सीधे सीधे, बाबा का जयकर लगाने जो होता है, आप भी उठा लो, आपको अलग से देने पड़ेगी, उठा लो, बोली कर साची दरबार की, बोली बालाजी महाराज जी की। तो आइएगा एक बालाजी महाराज का भजन लेके चलते हैं, तो आइए कैसे क्या कहने हैं। तो आइए कैसे क्या बता रहे हैं। ओ बाबा का दरबार लगा है, दर्शन तो कर लेने दे, ओ मैनू नच लेने दे, मैनू नच लेने दे, बोलिए साजी दरबार की। ओ बाबा का दरबार Thank you.
ओ पापा तेरी महिमा ये पैर में पार।
Oh,
तो सबसे पहले दूर दराज से आए हुए सभी भगत जन आदरणीय पिता तिलक बुजुर्ग सीता के समान मात्र सकती नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हम उम्र साथी और स्टेज पर विराजमान मुख्य सीनियर कलाकार म्यूजिकल ग्रुप साउंड मास्टर जी कैमरामैन जी सभी के चरणों में हाथ जोड़ के तहे दिल से मीठी मीठी प्यार भरी राम 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 जी सभी को। और आइए भक्तों सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आदरणीय श्री राजू शर्मा जी का जिन्होंने इतनी महान मूर्तियों के दर्शन करवाए और इस कमेटी का भी तहे दिल से धन्यवाद जो कि आप लोगों से हमें मिलवाया रूबरू करवाया और चलते बाबा के दरबार में जिस उपलक्ष में यहाँ इकट्ठा हुए हैं बाबा सोमगिरी जी महाराज के चरणों में एक जोरदार जयकारा बार बार हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगी ना तंग करूंगी ना परेशान करूंगी और जो भी बाबा को सच्चे दिल से मानता है सोमगिरी महाराज को वही हाथ उठाएगा। कौन कौन मानता है सोमगिरी महाराज को क्या बात है क्या बात तब तू को नहीं मानना के तू भी मान ले आंसू बड़े से कि बोले सोमगिरी जी महाराज की बोले सच्चे दिल माने की बोले श्याम प्यारे की बोले हरे के सहारे की बोले मां जमीन के लाल की चलते हैं बाबा के दरबार में और आइएगा कैसे कि बोलने को दी जुबा पर तू बोलता क्यों नहीं लेने को हैराना वो मुख खोलता क्यों तू बोलना तो चाहेगा पर बोल भी ना पाएगा पर बोल भी ना पाएगा कि जो भी बाबा को मानते हैं और आइए कैसे ऐसे ही भगत इकट्ठा होते हैं और बाबा को मनाते हैं कहने लगे कि बाबा देख सारी उम्र में तेरे दरबार में आया इब तो गोडे टूट रही इब तो कती यार लिया जंडो वर्गा मोटा हो गया चल जा जावे कोनी आए चल दर की बात ना करे तो मैं सच हूं और किसी ने कुछ भी कह दिए आजकल मैं तेरे पर किया कर ना राइट दे झूठ बोले बड़े सही शर्मा आ गया देख के तो ला खड़े हो गया पूरा मेरा पट्टा पे ही नीत का क्यों मैंने को हो तेरे वरगा भगत ता इसमें सल्ले अभी ना जा ओवरफुल तो चिंता ना करे अपना दिल बहला दूंगा ओहो जो मैंने बात कही थी वह मैं पूरी करके दिखा दूंगा और तीना दिखावे झूठ बोला झूठ बोला झूठ नहीं बोल सकता अच्छा ये मेरे भैया ने मेरा मैंने को मेरे गले पंगे ना ले ये पंगे लेने की बात ना करे समा सताती तू तो कहती है जंडो ने तो तोरा है मैंने को वे बड़ी थी मैं सबसे छोटी हूँ जितनी छोटी हूँ उतने जहर ज्यादा हाँ जहर की चिंता ना करे अपना दिल बहला दूंगा मेरा भी नाम चंडू है जहर तीखर भी कौन नहीं पता है पीने जा रहे जी तू भी नहीं मजा रहा तू सफेदा है सफेदे की बात ना करे जो मैं थे ना हूँ वो कापू हो गई ठीक है नहीं मैं जो मैं तू भी नहीं रहा हूँ मैंने कभी कुछ चुप हो जाए तेरे दिल के लिए समझ ना फोड़ दोगे देख ले रहा तुम लोग यार जमा लड़का रहे कोई बात नहीं भाई साहब अपनी है क्यों गया से मार चल कोई बात नहीं चल तू मैं कितना मार के रची हूं या तो बात ठीक है जमा ना सजन लड़का रहे फिर लोग मरा मार दिए जरा दुबई देख ले कि सरे हम तब पर ना मारे तने बोल कर डर लग गया सारे अंडर लग गए धरती आ गए बैर से एसपी हो गया तो लुबाई नहीं चल रहा अच्छा तू बता सच में तेरे बोल रहे कि कमाल की बात लगता कोई इसकी भी होगी कोई और देख लोग लागे है वो तो धक्का तो आम रहे हैं धक्का तो क्यों आम रहे हैं यो भी जी कह रहा है पूछ ले कहीं तो अपने बापी दोनों साथ ही कह रहा है जाने झूठ है तो किसी ने पानी को पिया हुए पानी का बेरा नहीं अपना दिल बहला लिए चंडू नदी की याद रख रहे हैं चल जाए रसूल ने खा लिए सारी आने झूठ बोली जा रसगुल्ले खुआ को खुद ने टिकड़े मिलते को नहीं आ टिकड़े की बात ना करे जमाना कटी मैं खा जा समोसा या चटनी चटनी मैं खाता खाली मैं रिपड़े करता
जमा रह क्या मेरे तो करता यू है लंबा पड़ गया इसने मेरे से अच्छा लग गया क्यों और तेरा साइज देख के मेरा साइज की चिंता ना करे जमा रेट जर इसका कुछ नहीं बिगड़ा यो फटे ना रेट अच्छा एक बात बता तेरा मैं इतना ही दम है जो एक धक्के के लग गया दम की बात नहीं करे फिर जमा सताऊं था मैंने तुम्हें लाश कह दिया मैं तो इसमें डराऊं था चलो मजा भाई दुनिया सब मैंने कुछ भी बैठ दी क्यों तेरी यही सजा है अच्छा और वो लड़की और मन्ना चिंता नहीं थी तुम्हारे लिए मेरा तो ये बिगाड़ था बैरन वो तेरे लिए अच्छा पर मेरी चिंता है सच्ची इतनी भी कोनी जमाना सता है फिल्म बन लग रही मेरी बुआ बार बार जमा ऊपर ना है तेरी बुआ हूँ मैं तेरी बुआ हूँ क्या नहीं पता चल बुआ तो ठीक है अपना दिल बहला दे चल मैं भी खुश हो जाऊँ मेरा फूफा तो दिखा दे आज दिखाओ आज आज दिखाओ फूफा दिखाओ देखिए मैं क्या चश्मा लगा एक तरह में लाल के फूफा भी ऐसा है जमाने में दिखता ये बात मैंने की कर गया जिसने दिने में नहीं दिखता चंदू इसने डबल दिखा है डबल दिखा है बुरा नहीं आदमी हम कुकुर दिखाई ना तो अगर तो दिखे तो अच्छा था अच्छा हाँ क्या कह रहे तम तो वो ऊपर आ गया मैं कुछ और दूँ तम का और समझो कुछ कह ना कह मैं कहीं की बात ना करे तुम्हारे चल तू अपना काम कर मैं तो मैं बैठ जा रहा हूँ और आइए एक तो राजी हो गया इस तरह राजी हो जाए छोरी अन्य जंदू देखे तेरे मामा मैं बता दी थोड़ी शांति बरता करो और आइएगा कैसे वो बाबा का भगत अरदास कर सकते और कैसे वो पापा का जाने Thank you.
भाषा का बिना घर में बस गिरना मैं भारी हो मैं आई हूँ।
चुटकला की कोई फैक्ट्री नहीं होगी। ये कई बार ऐसे जीवन में घटना घट जाती है जिसका चुटकला बन जाता है। वो एक दिन अंधेरी रात में प्रोग्राम करने लागरे मर पे जमा जुलम टा दिया। पांच छह शरारती छोरिया ने कदे के पुंजड़ के पिपा बांध के मारी सफेद खानी दबा दिया। दबा दे दिया मैं जमा साजरा मैं सफेद पे खड़ा हो कहते कण लाग रहा गदा मारी सफेद खानी बाज गया। पाज के रहा मैं जमा रड़किया मारी सफेद ऊंची गदा बाज के तवाई बढ़ गया। पड़के गया मैं जमा रड़की मारी डांसर नाचती नाचती गदा के ऊपरे पड़ गया। पड़के गई मैं जमा साजरिया मैं देख लाग रहा कदा मारी कलाकारनी ने देखा बात। मैं बोला मन्ना मंजूर है जमानी सतान देऊंगा कदे मेरा नाम जंगलू है कलाकारनी मैं भी नहीं ले जान दूंगा। मन में आए बात कही मैं जमा ललकार दी मेरा भी नाम जंगलू है मैंने कदे पहचान मैं मार के गई मैं जमा सता की निर्मय बोज गणा कतह की जीपे बह रहे। आके गई मैं जमा साज लिया कथा मारे तभी बेश्रम दोनों आने लेकर पाच बाज के लिया मैं जमा साज लिए पिपा फड़ फड़ कर पाछे कुत्ते भी लाग लाग के लिए मैं जमा साज लिया पहली बार देखा गदा पिछाणु है की स्पीड तय बाज पाज के रहा मैं जमा लड़किया अंधेरे में गदा ने दिखे को नहीं पीड़ी सी गाल में बढ़ गया। बढ़ के गया मैं जमा चटकती मारी कला करनी ले जाके देर में एक अंध ताऊ की खाट में पटक दी। पटक के गई जमा चकड़ लिया खड़िया होंगे ताऊ ने मारी कलाकारनी का हाथ पकड़ लिया। बोलिया कि ये क्या है जाली में जमा सताई है ओ बड़का की मां दो महीने पाछे आई। मैं बोलिया कि एक रहे बारी जमा चकड़ लिया है या मेरी ताई को निंद्रे फूफा मारी कलाकारनी का हाथ पकड़ लिया। बोलिया चिंता ना करे बेटे जमा दे दूंगा आज पेंशन मिली है बोलना ना सारे रुपये तुम बैठे। मैं बोला रुपये की जरूरत को नहीं सब कुछ मरोड़ दे और मेरे फूफा आज की मेरी प्यारी ले ली हमारी कलाकारनी ना छोड़े। यह बात कही मैं जमा सताई रोला सुन के वो हमारी ताई भी आई। आके गई मैं जमा साज लिया पाऊ में ताई पीटन लाइकी में तो कमा कर मैं देखा पाए थे ताली पर बता रहा है अरे खत्म कर दिया मैंने समझ में आया है तुम्हारा सुखर है ताऊ का नया चाचा क्या था मुंह क्या तो भरे है। एक बार जोरदार तालियां बजाए और आइए आपकी फरमाइश का हम पूरा ख्याल रखेंगे उससे